व्हाट इज बेटर, क्या सही है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, जंक फूड, हेल्दी फूड, एलोपैथी या अल्टरनेटिव अप्रोच, मॉडर्न साइंस या एंशिएंट विजडम, वर्क फ्रॉम होम या गोइंग टू द वर्क प्लेस, योगा या जुम्बा, रेंटिंग अ हाउस और बाइंग अ हाउस, वेल ओनिंग अ बिजनेस और वर्किंग फॉर समवन, स्कूल या होम स्कूलिंग, being rich or satisfied with less, going abroad for studies or studying where you are. Well, this is something very important, very valuable that I am just about to share. 2 साल पहले की बात है, मैं एक न्यूट्रिशन सेशन कर रही थी. मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर आलाप, हम दोनों भी थे. डॉक्टर गौरी मैम का सेशन था बेंगलोर में और उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल बात कही. इट वॉज अ सेल्फ रियलाइजेशन फॉर लाइफ. शी वॉज शेयरिंग अबाउट अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, स्टार्विंग वर्सेस फास्टिंग. जब आपका फास्ट होता है, when you are fasting, जब आपका उपवास होता है, तब क्या होता है? जो लोग उपवास करते हैं शायद वो मेरी बात समझ सकते हैं. जब आपका उपवास होता है तब क्या आपको भूख लगती है? जब आप खुद दिल से उपवास करते हो, आपके घर में बड़े होंगे, वो कर रहे होंगे, जरा जस्ट उनको अपने आंखों के सामने लेके आओ, दे शेयर इट प्राउडली, मेरा उपवास है. क्या उनकी बॉडी उस समय वो केमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट करती है जो अदरवाइज होते हैं? नहीं, दे आर कंप्लीटली एट पीस. चेंजेस बहुत गहरे लेवल पे होते हैं, अदरवाइज द डाइजेस्टिव सिस्टम, द ब्रेन, एवरीथिंग इज सेट अकॉर्डिंगली, एवरी सेल्फ फंक्शंस अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थॉट आई चूज. बट जब उपवास नहीं होता है और आपका मील टाइम इधर उधर हो जाता है, आपको डॉक्टर ने कहा है ये टाइम पे खाना चाहिए या किसी और ने कहा है फ्रूट्स खाने चाहिए और कुछ और सामने आ जाता है, व्हाट हैपेंस देन? डू यू फील बैड अबाउट इट? डू यू फील फियरफुल? डू यू फील होपलेस? डू यू फील एंग्री? डू यू फील हेल्पलेस? डू यू फील फ्रस्ट्रेटेड? डू यू फील अपसेट? डू यू फील गिल्टी? डू यू ब्लेम? वेल, आई डिड दैट ऑल. आई कैन टेल यू, मेरे सामने जो क्लिक हुआ दैट वॉज कि जब आई एम मदर ऑफ टू, मेरी दो डॉटर्स हैं और स्पेशली आफ्टर डिलीवरी, दोनों डॉटर्स के डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी जब भी मेरा मील टाइम या उनका मील टाइम या उनका मील कंटेंट या घर में फैमिली में किसी का भी आपके सामने आपके फैमिली मेंबर के रिपोर्ट्स आते हैं और आपको समझता है कि अरे इन्होंने ये नहीं ये करना चाहिए और उल्टा हो जाता है फॉर एनी रीजन. सी, देर आर नेगेटिव इमोशंस अटैच टू इट एंड दैट लीव्स यू क्रेविंग फॉर समथिंग दैट्स नॉट हैपनिंग. दैट्स अ प्रॉब्लम. The moment you say, I choose, life will be different. You will be completely at peace with where you are and start following this now. This is what is acceptance. This is what is going with the flow. And this is a very, very, very important tool because in today's world we have so many options.
That leaves us confused and unsatisfied. And the truth is that when you are at peace with where you are, life unfolds accordingly, beautifully. Just trust the universe and be honest to yourself. Let's together restore divine order now.